everybody. Today we will discuss about handwriting, which is very important point for every student and parents. Few students are not able to write in proper a line, and writing of some student is very light. Today we will do some activities to improve these two major points. We use these three fingers while doing this activity because we use these three fingers to hold the pencil. These are the clips. अब आपको ये ध्यान रखना है कि क्लिप जो इन तीन फिंगर से ही ओपन करें. क्लिप ओपन किया, दिस इज द कार्डबोर्ड. आप कुछ भी ले सकते हो, कार्डबोर्ड, पेपर, बास्केट, कुछ भी. ओपन दिस क्लिप और इस तरीके से इसको लगाना है. अब ये ध्यान रखना है कि इसको करते समय ये तीन फिंगर्स ही यूज हों. इस तरीके से ये करने से जिन स्टूडेंट्स की हैंडराइटिंग बहुत लाइट होती है वो थोड़ा डार्क लिखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इससे उनकी ग्रिप स्ट्रांग हो जाती है. इस तरीके से और दोबारा वापस उतार के रखने हैं. ये थी हमारी पहली एक्टिविटी. अब दूसरी एक्टिविटी. जैसे कुछ स्टूडेंट्स एक लाइन में नहीं लिखते इस तरीके से, इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल प्लेस अ लाइन विद द मार्कर और द स्केच एंड वी विल यूज एनीथिंग एट होम, लाइक दीज आर द स्टैग्स फ्रॉम द लूडो और दीज आर द बटन्स, एनीथिंग. इसको अब लाइन के ऊपर रखना है इस तरीके से, इस तरह से. जब स्टूडेंट्स एक सिंगल लाइन में इसको करना स्टार्ट कर दें तो हम लाइन की फॉर्मेशन चेंज कर देंगे. जैसे कि ज़िगज़ैग, देन यही चीज उनको ज़िगज़ैग में करनी है. एनीथिंग यू कैन यूज इन दिस. इससे दो बेनिफिट्स हैं, एक तो स्टूडेंट्स की हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन होती है, उनमें पेशेंस आता है और उनकी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव होती है. ये थी हमारी दूसरी एक्टिविटी. नाउ थर्ड एक्टिविटी. वी कैन ड्रॉ एनीथिंग लाइक अ बैलून और अ काइट एंड वी कैन मार्क सम डॉट्स इन दैट. इसके लिए हम ये बिंदी यूज करेंगे. इसमें से एक बिंदी उठानी है और डॉट के ऊपर स्टूडेंट्स को पेस्ट करनी है इस तरीके से. आप पहले बड़ी बिंदी यूज कर सकते हो एंड देन आफ्टर छोटी बिंदी यूज कर सकते हो इस तरीके से. ये एक्टिविटीज जितनी देखने में इजी लगती है स्टूडेंट्स के लिए ये इतनी इजी नहीं है, बट आई कैन श्योर यू दीज एक्टिविटीज आर वेरी बेनिफिशियल. सो प्लीज ट्राई दिस एट होम टिल द लॉकडाउन एंड यू कैन सी एक्सट्रीम चेंजेस इन द हैंडराइटिंग ऑफ योर चाइल्ड. थैंक यू.